हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रॉकी भाई यानी कि रॉकिंग स्टार यश की आने वाली फिल्म के बारे में, जिसके बारे में लिटरली हम बताएं तो अभी किसी को कोई भी खबर नहीं है। लेकिन दो बहुत ही एक्साइटिंग जो न्यूज है या फिर रूमर कह लो, वो निकल के आए थे, जिसपे कि हम बात जरूर से जरूर करना चाहते थे क्योंकि ये एक्साइटिंग प्रोजेक्ट थे। और क्योंकि हम एक हफ्ते से कोई वीडियो नहीं बना रहे थे, आदिपुरुष का वीडियो आया क्योंकि वो ब्रेकिंग न्यूज था, वो जाके आप देख लो चैनल पे। अब बात करते हैं हम लोग यश के आने वाली फिल्म के बारे में। ठीक है, आज के समय में मतलब ऐसा समय चल रहा है, सिचुएशन चल रहा है जैसा हिंदी सिनेमा का जो कलेक्शन का हम सबको पता है, 34 करोड़ जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है। चाहे वो दिवाली पे रिलीज कर लो, आप ईद पे रिलीज कर लो, आप कोई भी फेस्टिवल उठा के देखो, राखी पे, रक्षाबंधन पे रिलीज कर लो, फिल्में डिजास्टर फ्लॉप ऐसे जा रही हैं। वहां पे आके 434 करोड़ कमाना, हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा, हिंदी सिनेमा। वहां पे पूरी दशा दिशा बदल के रख देना, जाके हिंदी की ओरिजिनल फिल्में नहीं कमा पा रही हैं, हिंदी डब होके आके फिल्में इतना ज्यादा झंडा गाड़ दिया केजीएफ चैप्टर 2 ने। उसके बाद हम सबको पता था, सबको इंतजार था कि भैया अब यश आगे कौन सी फिल्म करने वाले, उसका क्या टाइटल होने वाला है, किस तरह का रोल होगा, किस तरह का कैरेक्टर होगा, किस तरह का लुक होगा, हर कोई एक्साइटेड है। लेकिन अभी ऑलमोस्ट 7 महीने होने को आए, अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं उनके आने वाली फिल्मों को लेके। बहुत सारे नाम आए, ऐसा नहीं है कि नहीं आए, नाथन के साथ वो फिल्म कर रहे हैं, शंकर साहब के साथ वो फिल्म कर रहे हैं, इसके साथ उसके साथ बॉलीवुड से ऑफर आए, 500 तरह की न्यूज़ जो कि सच भी हो सकता है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट जो है उनको ऐसा तो नहीं हो सकता है कि उनके पास फिल्में नहीं है। फिल्में इतने ज़्यादा होंगी उनके पास अभी उनके किटी में कि जिसका कोई हिसाब नहीं होगा, कोई हद नहीं होगा। लेकिन वो हिज चुन रहे हैं वो, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वो उसके बाद कोई छोटी मोटी फिल्म कर ले, क्योंकि पब्लिक को गवारा ही नहीं होगा, पब्लिक को पचेगा ही नहीं वो, तो वो करेंगे तो कुछ बड़ा धमाका ही करेंगे। वो किस तरह का धमाका होता है बस उसका इंतजार है। दो नाम जो कि निकल के आ रहे थे, एक ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 दैट इज देव में सेंट्रल कैरेक्टर जो कि देव का होने वाला है सेकंड पार्ट में, उसके लिए ऐसा सुनने में आया कि अप्रोच किया गया, लेकिन उसके बाद फिर करण जौहर ने शायद कहीं मना कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसको हमको स्टार्टिंग में ही लग रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि ब्रह्मास्त्र के टाइम में हम आप बात किए थे कि अगर शायद हमको ऐसा लग रहा है, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि शायद रणबीर कपूर ही देव का रोल प्ले करें। अब वो तो जैसे पता चलेगा हम आपको बताएंगे, या तो फिर सबको पब्लिक में आउट हो ही जाएगा कि कौन देव का रोल प्ले करेगा। लेकिन अगर वो भी होता तो बहुत ही डेडली कैरेक्टर होता और बहुत ही एक ऐसा जो कि अब बेस बन चुका है। लेकिन फिर भी यश के लिए मेरे हिसाब से अभी वो रोल सही नहीं है, क्योंकि ही नीड्स टू बी द सेंट्रल कैरेक्टर। मतलब देव में भी वो सेंट्रल कैरेक्टर होंगे, लेकिन फिर भी पार्ट 3 में एट द एंड ऑफ द डे मतलब डेविल शेड या फिर वो करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। एंटी हीरो जरूर कर सकते हैं, लेकिन विलन का रोल करना मेरे हिसाब से अभी सही नहीं रहेगा उनके लिए। और सेकंड जो निकल के आया दैट इज सूर्य पुत्र कर्ण, जो कि राकेश ओम प्रकाश मेहरा की फिल्म है। बहुत पहले इसका अनाउंसमेंट हुआ था, शाहिद कपूर भी करने वाले थे इसको, लेकिन उसके बाद फिर चीजें मेटेरियलाइज नहीं हो पाई। अब उसके लिए जो है नाम आ रहा है यश का। अब देखो, ब्रह्मास्त्र तो साइड हो चुका, ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 दैट इज देव वो साइड हो चुका, अब है कर्ण की बारी। तो मेरे हिसाब से ये रोल उनके लिए बहुत ही जबरदस्त रहेगा और मेरे हिसाब से उनको कर लेना चाहिए, बट जब सब कुछ स्क्रिप्ट देखने के बाद ही, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि मतलब उस जो स्केल होगा इसका, जिस तरह का स्क्रिप्टिंग होगा, क्योंकि कर्ण एक ऐसा मतलब कैरेक्टर है जो कि हर किसी के दिल में जगह है कुछ ना कुछ कर्ण के लिए। किसी के बहुत ज्यादा है, किसी में थोड़ी कम, लेकिन हर कोई रिस्पेक्ट से देखता है, क्योंकि इतना कुछ बीता था, इतना ट्रेजिक वो लाइफ था और इतना वो मतलब इंस्पिरेशनल या फिर इतना बड़े वीर थे वो, कि उन पे डेफिनेटली फिल्म बनाना तो बनता है। और कुछ ऐसा एक कैरेक्टर जिसको कि हम लोग लार्जर देन लाइफ रोल में ऐसा देख चुके हैं, वो ऐसा रोल प्ले करे तो डेफिनेटली बनता है। क्योंकि एक टाइम पे याद है जब राजामौली साहब ने बताया था, जब वो महाभारत का बता रहे थे, तो उन्होंने बताया था कि हम प्रभास को एज कर्ण देखना चाहेंगे। और उसके बाद क्योंकि प्रभास इज मेंट टू प्ले लार्जर देन लाइफ रोल्स, क्योंकि बाहुबली के बाद ऐसा स्टैचर हो गया उनका कि उनको नॉर्मल एक लड़के के रोल में ना मतलब ऑडियंस नहीं पचा पाएगी। सेम इज द केस विथ यश नाउ, क्योंकि यश के साथ भी वही हो चुका है कि अब उनको नॉर्मल लड़के के कैरेक्टर में हम लोग नहीं देख पाएंगे, अब वो एक लार्जर देन लाइफ रोल ही प्ले करेंगे। एंड कर्ण का रोल जो है वो बेस्ट सूटेड है, लेकिन फिर सब कुछ बॉयल डाउन करता है कि स्क्रिप्ट कितनी अच्छी होती है, कितना अच्छा उनको लगता है और उनको सही लगता है कि नहीं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि वो डेफिनेटली करना चाहिए उनको, अगर सब कुछ ठीक रहा, स्क्रिप्टिंग और जो भी विजुअलाइजेशन है और जो भी जिस तरह का प्रेजेंटेशन है सब कुछ ठीक रहा तो ही उनको करना चाहिए। अदरवाइज ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे, और प्रोजेक्ट कब निकल के आएगा, कब हम लोग को पता चलेगा, अभी बिल्कुल भी भूल जाओ, क्योंकि जब तक 7 से 8 जनवरी नहीं होती हमको नहीं लगता है कि कुछ भी वो साइन करेंगे और कुछ भी हम लोग को पता भी चलेगा। मतलब उड़ती उड़ती खबरें इधर उधर से जो आती हैं वो आती रहेंगी, लेकिन जो कन्फर्मेशन है
वो हम लोग को कहीं ना कहीं जनवरी के महीने में ही देखने को मिलेगा, तो उतना वेट करना पड़ेगा। बाकी आपको क्या लगता है, देव के रोल के लिए यश कैसे रहते और कर्ण के रोल के लिए यश कैसे रहेंगे, वो आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम सब वेट कर रहे हैं, जनवरी बहुत दूर नहीं है, मतलब बहुत जल्दी हम लोग को रॉकी भाई का अगला वार कहां होता है वो भी पता चल जाएगा। कितना एक्साइटेड हो आप कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि कोई भी वीडियो कोई भी अपडेट आए आपसे मिस नहीं हो। कुछ और बात करनी, इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां भी मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ। तब तक लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।